अब जो आपको प्रेजेंटेशन मैं बताने जा रहा हूँ उसमें आपको एवरी 20th के बाद या जब भी आप एंट्री करना चाहें तब, लेकिन जो डाटा सेंड करेंगे वो 20th के बाद आप सेंड करेंगे बिल बनने के लिए। तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको मैं धीरे धीरे दूंगा, कैसे आपको एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, हाफ पे लीव, सस्पेंशन में कैसे एंट्री डालनी है, प्रमोशन, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में कैसे एंट्री डालनी है, आपको एम्प्लॉई ए प्लेस से बी प्लेस पे कैसे ट्रांसफ़र करना है। एक एक एम्प्लॉई आउट ऑफ हरियाणा चला जाता है, हरियाणा में नहीं रहता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं चला जाता है, दिल्ली चला जाता है या आउट ऑफ हरियाणा चला जाता है, तो उसकी एंट्री कैसे, उसको कैसे ट्रांसफ़र करना है। अगर वो आपके डिपार्टमेंट से किसी और डिपार्टमेंट में चला जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसकी एंट्री कैसे करनी है और उसकी सैलरी कैसे बनानी है, किस दिन तक उसको रिलीव करना है, कैसे ज्वाइन कराना है, कैसी चीज़ें करनी है, ये सारी मैंने बतानी है। फिर एडिट सैलरी डिटेल पे जो आप पहले काम करते थे वो करोगे या नहीं करोगे, करोगे तो कैसे करोगे, ये सारी चीज़ आपको बतानी है। फिर उसके बाद कैसी इस बार बिल जनरेट करने हैं आपने, एचआरए वेचारे कैसे चेक करना है, और ये सारी चीज़ आपको मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है, जैसे कि सुनील जी ने भी आपको बताया था, जो काम पहले आप ई सैलरी में करते थे, हमारे दो टाइप के यूज़र हो गए हैं, एक तो इस्टेब्लिशमेंट का यूज़र जो कि एचआरएमएस को डील करता है, नेक्स्ट है डीडीओ जो कि सैलरी बनाने में काम देता है। तो यहाँ पे दो टाइप के आपके होते हैं, जो एचआरएमएस को डील करता है वो इस्टेब्लिशमेंट का हो गया, और जो सैलरी बनाता है वो डीडीओ हो गया। डीडीओ का काम पहले क्या होता था, वो एडिट सैलरी डिटेल पेज पे जाके उसके नंबर ऑफ एब्सेंट डेज, कितने उसके हाफ पे लीव के डेज हैं, वो सारी वो एंट्री करता था। ये एक्सरसाइज वो हर एक मंथ करता था। वो करता कैसे था, इस्टेब्लिशमेंट वाला उसको एक्विटेंस रोल देता था या उसको अटेंडेंस उस पर्सन की प्रोवाइड करता था, वो एवरी मंथ उसको एडिट सैलरी डिटेल पेज पे जाके वो कर देता था। अगर उसका कोई भी पे स्केल या बेसिक पे या कोई भी एब्सेंट उबसेंट नहीं होता था तो वो कुछ भी चेंज नहीं करता था एडिट सैलरी डिटेल पेज पे, और वो डायरेक्ट जनरेट सैलरी कर लेता था। जिनका होता था उनका ही वो अपडेट करता था। अगर प्रमोशन होती थी किसी की या एसीपी लगती थी किसी की तो वो दो एंट्रियाँ करता था वहाँ पे एडिट सैलरी डिटेल पेज पे। अब वो जो भी वो काम करता था उसको वहाँ पे एडिट सैलरी डिटेल पेज पे वो कोई कुछ भी काम नहीं करना। एडिट सैलरी डिटेल पेज पे डीडीओ को स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जिनका डाटा एचआरएमएस से ई सैलरी में जाएगा हर एक मंथ, उनको डीडीओ को एडिट सैलरी डिटेल पेज पे कुछ भी काम नहीं करना, उसको डायरेक्ट जनरेट पे बिल वाले पेज से जाके उसकी पे जनरेट करनी है। अगर किसी की लोन की या इंटरेस्ट की या कोई डिडक्शन की एंट्रीज को एडिट करना है तो वो मेकर के लॉगिन से वो पहले जैसे करते थे वैसे ही एडिट हो जाएंगी। पहले वो डिटेल डालते थे, फिर वो एडिट सैलरी डिटेल पेज से ही लोन वाला पेज खुल जाता था आपका और इंटरेस्ट वाला पेज खुल जाता था। अब ऐसे नहीं, वहाँ पे मेन्यू के अंदर ही जहाँ एडिट सैलरी डिटेल पेज होता है उसी के नीचे होता है एडिट जॉब डिटेल या एडिट लोन डिटेल, एडिट एडिट डिडक्शन, ऐसे कुछ होता है। तो उन पेजेस से आप जाके उसकी लोन की या डिडक्शन की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। एडिट सैलरी डिटेल पेज पे कुछ भी नहीं होगा। अब एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं कि आप सैलरी बनाने के लिए वहाँ पे जनरेट पे बिल में गए लेकिन वहाँ पे एम्प्लॉई आपको शो नहीं हो रहा, तो प्लीज़ उसका टाइप ऑफ सर्विस जरूर चेक कर लें कि उसका टाइप ऑफ सर्विस सेलेक्ट सही कर रखा है या नहीं। हमारे पास कुछ ऐसे केसेस आए हैं, सपोज एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई था, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई एक्सपोर्ट नहीं होंगे, ना कि उनका एचआरएमएस में डाटा लेके आना है, कुछ भी नहीं करना उनका काम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई था लेकिन उसने जॉब डिटेल में उसकी टाइप ऑफ सर्विस स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई डाल रखी थी, तो फिर वो पेंडिंग में शो करता रहा आपको और ना कि जनरेट पेबिल वाले पेज पे आपको शो कराएगा। तो प्लीज़ चेक कर लें कि टाइप ऑफ सर्विस ठीक भी है या नहीं। अगर टाइप ऑफ सर्विस कोई एम्प्लॉई वहाँ पे शो नहीं हो रहा तो टाइप ऑफ सर्विस का भी एक रीज़न हो सकता है। अब मैं आपको सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट यूज़र जो कि एचआरएमएस जिनको जो डील कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे एंट्रीज करनी है, और ये स्टेप बाय स्टेप फिर मैं डीडीओ के ऊपर आऊँगा कि डीडीओ को कैसे काम करना है। सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट यूज़र को मैं बताता हूँ, अगर ये दोनों स्टेप्स को मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ,
अगर किसी की मंथ में एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, हाफ पे लीव, सस्पेंशन है, प्रमोशन, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन या ट्रांसफ़र है, तब आपको फ्यूचर ट्रांजेक्शन में उसकी एंट्री करनी है। आई रिपीट, अगर है तो, इफ़ एनी, किसी की कोई एब्सेंट है तो करनी है, हाफ पे लीव है तो करनी है, अदरवाइज आपको उसकी कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। आई रिपीट, अगर किसी की एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, हाफ पे लीव, सस्पेंशन है या कुछ भी कोई सा भी है, तभी एंट्री करनी है, अदरवाइज इस्टेब्लिशमेंट यूज़र को भी उसकी कोई भी एंट्री नहीं करनी है। ये जो आप एंट्री कर सकते हो, ये चेकर या मेकर दोनों के लॉगिन से कर सकते हो। ये शुरू के जो दो स्टेप्स हैं, ये चेकर या मेकर किसी से भी आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन अगर है तो ही करनी है, अदरवाइज उसकी एंट्री करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो नीचे का ये वाला स्टेप है, ये सिर्फ चेकर के लॉगिन पे ही आपको शो होएगा, ये मेकर के लॉगिन पे आपको शो नहीं होएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं साइट पे गया, साइट पे जैसे ही मैंने लॉगिन किया हुआ होगा, तो लॉगिन करने के बाद मैं चेकर से लॉगिन करता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ें आपको दिखानी है, अदरवाइज मैं चेकर या मेकर किसी से भी लॉगिन कर सकता हूँ। 28540 लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आप यूज़र मैनुअल में भी जाके चेक कर सकते हैं। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि कैसे एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, हाफ पे लीव, सस्पेंशन की एंट्री कैसे करनी है, सैलरी कैसे बनानी है और ई सैलरी के साथ इंटीग्रेशन कैसे करना है। ये दोनों यूज़र मैनुअल, नीचे के दोनों यूज़र मैनुअल आपको हेल्प कर सकते हैं कि कैसे कैसे सैलरी बनानी है। अगर मैं इस वाली इंटीग्रेशन विद ई सैलरी को मैं चेक करूं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले ये लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट IAS, HCS, पॉलिटिकल और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई की सैलरी जैसे आप पहले बनाते थे वैसे ही बनानी है, उनके बारे में कोई भी चेंज नहीं हुआ, उनको कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करना। फिर स्टेप में लिखा है कि 30/6/2017 तक की एंट्री सारी की सारी प्रमोशन में करें, अदरवाइज वो सैलरी बनाने में आपको प्रॉब्लम करेंगे। ये वाला स्टेप आई थिंक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि मैंडेटरी भी है। उसके बाद बताया था कि एनुअल इंक्रीमेंट अगर किसी का जुलाई 2017 का है वो डाल देंगे, ये वाला काम भी हम कर चुके हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था। अब तीसरा स्टेप इन्होंने बता रखा है कि ए से लेकर डी तक का काम तो इस्टेब्लिशमेंट करेगा और ई वाला DDO या सैलरी का यूज़र करेगा। तो ये ए वाला मैं काम करता हूँ कि अब हम इस स्टेप पे आ गए हैं कि एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, हाफ पे लीव, ये कैसे कैसे डालनी है। तो ये यूज़र मैनुअल है, अगर किसी से गलती डाटा चला जाता है तो कैसे इसको विड्रॉ करना है, ये सारे केसेस वाइज यहाँ पे आपको शो कर रखा है, तो आपको ईजी रहेगा कि कैसे कैसे आपको हेल्प करनी है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको फाइंड आउट हो जाएगा। मैनुअल है कि एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, हाफ पे लीव में, सस्पेंशन में कैसे आपको एंट्री करनी है, कैसे डाटा आपको यहाँ से वहाँ भेजना है, वो सारा मैनुअल इसमें प्रोवाइड हो जाएगा। सबसे पहले अब फर्स्ट स्टेप के लिए हम आते हैं कि कैसे इनमें एंट्री करनी है। इसके लिए आप फ्यूचर ट्रांजेक्शन में जाएंगे। अब जो भी काम करना है आपको फ्यूचर ट्रांजेक्शन में करना है। यहाँ पे ए ग्रुप पे कोई भी जो भी ग्रुप का एम्प्लॉइज है, यहाँ भी अभी यहाँ पे यूज़र मैनुअल नहीं है, मैं यहाँ पे भी आपको यूज़र मैनुअल प्रोवाइड कर दूंगा। आज यहाँ पे लिंक लगा देंगे यूज़र मैनुअल का। इवन तक कि यहाँ पे आपको एक फंक्शनैलिटी और दे रहे हैं, अगर हो सकता है आपको एक एम्प्लॉई के लिए काम करना है तो आप उस एम्प्लॉई का यूनिक कोड डाल के भी उसका डाटा को कर सकते हैं, आपको ये बार बार हर एक चीज़ को सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फंक्शनैलिटी भी आज अपलोड हो जाएगी, आज शाम तक आपको ये फंक्शनैलिटी भी मिल जाएगी फ्यूचर ट्रांजेक्शन के अंदर। तो जैसे आप यहाँ पे गए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा था एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, कि एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी की एंट्री आपको कैसे करनी है। जैसे आप यहाँ पे सर्च करके गए तो नीचे यहाँ एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी का लिंक है, यहाँ पे एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी का यहाँ पे लिंक है। ये सारे लिंक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी की डिटेल लिखी हुई आ रही है या नहीं, यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो नीचे यहाँ पे आपको फॉर्म खुल जाएगा, डेट फ्रॉम कब से कब तक की डेट है, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, और अगर कोई एंट्री आपने कर रखी है तो वो एडिट करके भी कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, बताता हूँ कि जैसे ये अगस्त की एंट्री हमने कर रखी है 1-2 तारीख तक की,
आपने सैलरी बनाने के लिए डीडीओ के पास डाटा भेज दिया कि भाई ये 2 दिन की एब्सेंट है, और डीडीओ ने क्या करा, उस वहाँ पे बिना चेक करे उसको ट्रेजरी में भेज दिया और उसके सैलरी विड्रॉ होगी, लेकिन उसकी एब्सेंट नहीं थी, उसने गलत डाटा भेज दिया था। तो प्लीज़ जब भी डाटा बनाए डीडीओ तो चेक कर ही लें कि जो मैं डाटा भेज रहा हूँ ठीक भी है या नहीं, वो एब्सेंट था भी या नहीं, और इस्टेब्लिशमेंट वाला भी चेक कर लें। अगर आपने इस मंथ के लिए ये सैलरी ड्रॉन कर ली होगी तो आपकी सर्विस बुक में ये 2 दिन हमेशा के लिए एब्सेंट में ही दिखाएगा। इनको बाद में डाटा डिलीट करने का या रिवर्ट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपने 2 दिन की एब्सेंट दिखा के उसकी सैलरी डिडक्ट करी है 2 दिन की। तो जो भी आप यहाँ पे एंट्री करें प्लीज़ वेरीफाई, अच्छे से चेक कर लें, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन योर फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पे जब करेंगे, कई बार ऐसा केसेस भी आते हैं कि आपने यहाँ से एब्सेंट भेज दी इस मंथ के लिए, वो अगले महीने उसको कन्वर्ट टू लीव करवा लेता है, किसी ना किसी की टाइप की उसके पास लीव अवेलेबल होती है तो वो लीव में कन्वर्ट करवा लेता है। तो उस केस में आपको अभी यहाँ पे, क्योंकि इसका डाटा भेजा नहीं इसलिए वो बटन नहीं दिख रहा, नहीं तो यहाँ पे एक बटन आपको दिखाई देगा कन्वर्ट टू लीव। कन्वर्ट टू लीव पे जैसे कन्वर्ट करेंगे, जिस टाइप की लीव में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं आप उस टाइप की लीव में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी का डाटा, इस फॉर्म में डाटा आपको हर एक मंथ डालना है, क्योंकि हर एक मंथ ही पता होता है ये कब से कब तक एब्सेंट रहा। एवरी मंथ इसको, इस पेज को आपको एक्सेस करना है। तो एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी का डाटा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हाफ पे लीव, कि आपको हाफ पे लीव या किसी भी टाइप की लीव कैसे एंटर करनी है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे एक लीव अवेल्ड का फॉर्म होगा, लीव अवेल्ड का फॉर्म होगा। यहाँ पे जब जैसे ही आप ऐड करेंगे, मैंने आपके लिए एक एंट्री ऐड करके रखी हुई थी, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये अब लीव वाले के लिए आप कुछ इंफॉर्मेशन, मतलब ध्यान से सुनना है, वो आपको मल्टीपल एंट्रीज करने से रोकेगा, जो कि यहाँ पे आपको बहुत हेल्प कर सकता है। वो इंफॉर्मेशन ये है, जब आप लीव की एंट्री करने के लिए जाएं, आपको याद होगा जब हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन में गए थे आपने, जब उसकी बेस सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपने फिलअप करी थी हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन में, जब आपने उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन भरी थी 31/12/2015 तक की उसका डाटा हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन में आपने भरा होगा। तो यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, आपने यहाँ पे लीव का बैलेंस भरा था हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन में, यहाँ पे लीव का बैलेंस भरा था हर एक लीव का, अनलीव्ड का और हाफ पे लीव का। आपने ये 31/12/2015 तक का बैलेंस भर रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब 31/12 के बाद की कोई भी लीव की एंट्री होगी, वो एक तरीका तो है कि वो सारी लीव की एंट्रीज आप यहाँ पे करें 31, क्योंकि आपने यहाँ पे 31/12/2015 तक का ही डाटा भर रखा है उसका बैलेंस। उसके बाद उसने कोई भी लीव है उसकी एंट्री या तो सारी की सारी एंट्रीज यहाँ पे करे, नहीं तो ये एंट्रीज ना करनी पड़े, इसका भी एक सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि जो आपके यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है ये जो लीव वाला मॉड्यूल या हाफ पे लीव यहाँ से जो वहाँ पे जानी है, ये हो रहा है अगस्त की सैलरी से। तो आई रिकमेंड कि 30 जुलाई 2017 तक का यहाँ पे आप उसका लीव का डाटा अपडेट कर दें, कि जुलाई 2017 तक की उसका बैलेंस कितना था। अभी यहाँ पे 31/12/2015 तक का है, आप जुलाई 2017 तक का कर देंगे, फिर आपको अगस्त की ही एंट्री यहाँ पे करनी पड़ेगी या अगस्त के बाद की। अगर आपने वहाँ पे 31/12 तक का ही अपडेट करा है, तो आपको पिछले पूरे एक साल की और इस आधे साल की भी एंट्री इसमें लीव में करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है लीव बैलेंसेस में आके, ये जो लीव बैलेंसेस आपको यहाँ पे शो होते हैं इनको कैलकुलेट करने में। तो अगर आप ये एंट्रीज नहीं करना चाहते, तो हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन में लीव बैलेंस का है उसमें आप एडिट करके इस एंट्री को जुलाई 2017 तक की एंट्री तक का डाटा, यहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स, उसकी कितनी बैलेंस है, या जिस डेट तक का आपके पास लेटेस्ट आपकी सर्विस बुक में है उस डेट तक का यहाँ पे भर दें। उस डेट के बाद अगर उसने कोई भी लीव ली है तो उसकी एंट्री प्लीज़ इसमें करें, अदरवाइज ये लीव बैलेंस जो यहाँ पे काउंट होता है
तो उसके लिए आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये आपको एक शॉर्टकट बता दिया है और आपको मल्टीपल एंट्रीज करने से भी हेल्प होगी कि आपको मल्टीपल एंट्रीज नहीं करनी पड़ेंगी। अब जब आपने ये अपडेट कर दिया और यहाँ पे लीव अपडेट करने के लिए आए, यहाँ पे ना डिफरेंट सब टाइप सारे टाइप्स की लीव्स अवेलेबल हैं कि किस टाइप की करनी है, कैजुअल करनी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करनी है, हाफ पे करनी है, क्योंकि जो ई सैलरी में रिफ्लेक्ट होती है वो हाफ पे वाली होती है। तो मैं अभी आपको हाफ पे वाली एक्सप्लेन करता हूँ, अदरवाइज आपको यहाँ पे सारी की सारी लीव्स जो भी हैं वो एंट्री करनी है। तो हाफ पे लीव में करा, जैसे ही आपने करा तो यहाँ बैलेंस आ गया। अगर आपको लगा कि ये बैलेंस गलत आ रहा है तो वही मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो लेटेस्ट डेट तक का आपके पास है वो बैलेंस डाल दो, उसके बाद अगर उसने कोई भी हाफ पे ली है वो एंट्री कर दो, फिर जो आज करंट आप हाफ पे की एंट्री करने जा रहे हो उसमें वो बैलेंस सही करेक्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है कि मेडिकल पे है, पर्सनल पे है, ये स्टडी पे है, तो ये सारी आपको शो होगी। डेट फ्रॉम डेट टू, डेट फ्रॉम डेट टू डालने के बाद आप कैलकुलेट नंबर ऑफ लीव्स का ये बटन है, इस पर आप ज़रूर क्लिक करें। इससे पता चलेगा आपको कि ई सैलरी में कितनी लीव्स आपकी कटने के लिए जा रही हैं, या जा रही है या नहीं जा रही है, ज़ीरो है या कितनी है। ये कैलकुलेट नंबर ऑफ लीव्स का बटन आप ज़रूर यहाँ पे क्लिक करें। एक एंट्री मैंने आपके लिए यहाँ पहले से करके रखी थी तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे कि इसने दो दिन की यहाँ पे ली है तो नंबर ऑफ लीव्स यहाँ पे टू आ गया और नंबर ऑफ लीव्स सेंड टू ई सैलरी जीरो आया, क्योंकि इसके पास बैलेंस 426 बचा हुआ था और इसने मेडिकल ग्राउंड पे ले रखी थी, तो मेडिकल ग्राउंड पे लीव ही होती है तो नंबर ऑफ ई सैलरी नहीं डिडक्ट होती, तो सैलरी डिडक्ट नहीं होती तो ई सैलरी में यहाँ पे जीरो आ रही है। अगर ये ठीक है तो इसको आप सेव कर दें। इस तरीके से आप लीव्स की भी एंट्रीज को कर सकते हैं। लीव्स वगैरह की जैसे मैंने एब्सेंट में बताया था आपको, लीव्स और एब्सेंट ये जो भी एंट्रीज है, अगर आप उस मंथ के लिए सैलरी ड्रॉन कर चुके होंगे तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ सैलरी का डाटा भेजने से पहले इसका डाटा करेक्टली यहाँ पे भरना चाहिए। जब आप ये लीव वगैरह की एंट्री यहाँ पे आप कर देंगे, नंबर ऑफ लीव्स कितनी भरी है, किस ग्राउंड पे ये भरी है, एक एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी में क्या था कि आपको एवरी मंथ आपको डाटा भरना था, क्योंकि हमें ये पता होता है एब्सेंट में कि इस मंथ ये चार दिन एब्सेंट हुआ, हमें ये नहीं पता होता कि आने वाले महीने में कौन सी तारीख तक वो एब्सेंट रहेगा। तो एब्सेंट वाले में पेज में आपको हर एक मंथ आपको डाटा भरना है। लेकिन लीव वाले केस में आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कोई एम्प्लॉई जुलाई में लीव में चला गया, अर्नड लीव पे चला गया या किसी भी टाइप की लीव पे चला गया, और वो आपके पास सितंबर में ज्वाइन करेगा और आपको अगस्त की सैलरी बनानी है और सितंबर में भी बनानी है। सितंबर को वो 15 तारीख को ज्वाइन करता है, तो 15 तारीख तक की एक तरीका तो ये है कि आप दो एंट्री करो, एक तो जुलाई की करो, फिर अगस्त की करो, फिर सितंबर की करो, इन तीनों में ऑर्डर नंबर ऑर्डर डेट एक ही रहेगा। एक तरीका है कि आप ये तीनों की एंट्री एक ही कर दो, डेट फ्रॉम डेट टू एक ही डाल लो कि वो 15 जुलाई से 15 सितंबर, डेट फ्रॉम आपने 15 जुलाई डाला और फिर 15 सितंबर डाला और सेव कर दिया। आपको इसमें बार बार एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो मल्टीपल डेज के लिए या मल्टीपल मंथ के लिए जा रहा है तो आपको एंट्री करने की बार बार ज़रूरत नहीं है, आप एक बार में भी वो एंट्री कर सकते हैं। सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा कि कितने डेज उसके काटने हैं, नहीं काटने हैं, कैसे काटने हैं, उसके कौन से मंथ में सैलरी काटनी है, नहीं काटनी है, वो सारे ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट कर लेगा। तो ये हाफ पे लीव का मैंने आपको बता दिया। अभी मैंने आपको प्रमोशन और फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया था कि कैसे आपको प्रमोशन और फाइनेंशियल अपग्रेडेशन की एंट्री करनी है। उसके बाद आता है पोस्टिंग ट्रांसफ़र। अगर कोई एम्प्लॉई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई एम्प्लॉई ट्रांसफ़र हो जाता है, ए प्लेस से बी प्लेस पे चला जाता है, मंथ के बीच में, मंथ के शुरुआत में या मंथ के एंड में। नंबर सेकेंड केस ये है कि वो आपके डिपार्टमेंट में ही कहीं चला जाता है या आपके डिपार्टमेंट के अलावा किसी और डिपार्टमेंट में चला जाता है। तीसरा केस है कि वो आउट ऑफ हरियाणा ही चला जाता है। तो ये सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे करनी है अगर कोई ट्रांसफ़र होता है। इसके लिए यूज़र मैनुअल भी यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है, मैं आपको दिखा देता हूँ यूज़र मैनुअल। ये ट्रांसफ़र एम्प्लॉई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये वाला यूज़र मैनुअल भी आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है, इसमें भी आपको हेल्प आउट हो सकता है। लेकिन यूज़र मैनुअल्स में सारी की सारी चीज़ नहीं दी हुई होती,
तो फिर भी आप कुछ चीज़ें ऐसी हो सकता है कि मैं बता के ही आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ, उनको लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर ध्यान से सुन लें कि कैसे ट्रांसफ़र आपको करना है एक प्लेस से सेकंड प्लेस पे। तो ट्रांजेक्शन गए, पोस्टिंग ट्रांसफ़र पे गए, आपको जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करो तो प्लीज़ आप ये ज़रूर चेक कर लें कि ये हेडिंग पोस्टिंग ट्रांसफ़र का ही चल रहा है या नहीं। फिर ऐड पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आपने ऐड पे क्लिक करा, ये आपके पास नीचे फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पता लग जाएगा कि अभी वो कहाँ पे है, कहाँ से उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो और कहाँ पे कर रहे हो। टाइप ऑफ पोस्टिंग ट्रांसफ़र में आ जाएगा, टाइप ऑफ सर्विस में कि वो किस टाइप का ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको, या तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में है या ऑन रिक्वेस्ट है, किस तरीके का है पोस्टिंग टाइप में। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है, अगर वो विद इन हरियाणा जाता है, तीन केसेस हैं यहाँ पे। पहला केस, वो आपके डिपार्टमेंट में ही कहीं और ट्रांसफ़र होता है। सेकंड केस, वो हरियाणा के किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होता है। तीसरा केस, वो अदर देन हरियाणा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे तीन टाइप के केस हैं। केस नंबर वन, अगर वो आपके ही डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होता है, तो आप ये देख लीजिए कि अभी उसका डिपार्टमेंट ये था और यहाँ पे भी वही है, और फिर उसका ये भरेंगे कि किस ऑफिस में, किस सर्कल डिवीज़न या कहाँ पे वो ट्रांसफ़र हो रहा है, वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑफिस शो हो जाएगा। ऑफिस सिलेक्ट करेंगे, उसका रूल ग्रुप और डेजिग्नेशन सिलेक्ट करेंगे, डेजिग्नेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर वो किसी और पोस्ट पे ट्रांसफ़र हो रहा है, सपोज़ वो बी प्लेस पे जा रहा है, लेकिन बी प्लेस पे वो वाली पोस्ट नहीं है, लेकिन वो ऑफिशिएटिंग किसी और पोस्ट पे जा रहा है, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। वो वाली पोस्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हो, पे स्केल सिलेक्ट कर सकते हो। उसकी सर्विस बुक कहाँ पे मेंटेन होगी, उसकी सर्विस बुक कहाँ पे मेंटेन होगी, जहाँ पे उसकी सर्विस बुक मेंटेन होगी वहाँ पे ही वो एम्प्लॉई शो होना शुरू हो जाएगा, जैसे ही आप यहाँ से ट्रांसफ़र करोगे। अगर आपने वो गलत ट्रांसफ़र कर दिया है, मतलब ट्रांसफ़र किया आपने सही ऑफिस में, लेकिन सर्विस बुक आपने गलत सेलेक्ट कर दी है, तो वो गलत जगह दिखाई देने लग जाएगा और फिर आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो लूप में घूमता रहेगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो गया। ट्रांसफ़र में जब भी आप एंट्री करने के लिए जाएं, प्लीज़ बार बार एंट्री मत करें। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक डिपार्टमेंट में क्या किया था, ए प्लेस से बी प्लेस पे भेजना था एम्प्लॉई। उस एम्प्लॉई ने वहाँ के चक्कर ने क्या किया, ए प्लेस से सी प्लेस पे भेज दिया, सी प्लेस वालों ने डी प्लेस पे भेज दिया, फिर डी प्लेस पे जाके देखने लगे, वो बी प्लेस वाले कहने लगे हमारे पास तो एम्प्लॉई शो नहीं कर रहा, ए वाले भी कहने लगे कि हमारे पास तो एम्प्लॉई है ही नहीं। फिर जब चेकआउट किया, हुआ क्या था, ए प्लेस वालों ने सी पे भेज दिया, सी वालों ने डी पे भेज दिया और डी वालों ने कहीं और भेज दिया, मतलब अपने आप अपने पास पेंडेंसी ना दिखे तो वो कहीं भी ट्रांसफ़र करे जा रहे थे, और फिर बाद में पता चला कि वो कहीं कहीं ट्रांसफ़र हो गए, कहीं कहीं उसकी एंट्रीज चली गई हैं, इससे कि भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन ना क्रिएट करें, अदरवाइज वो एम्प्लॉई की सैलरी तो क्या, वो एम्प्लॉई मिलना ही भारी हो जाएगी, क्योंकि वो एम्प्लॉई कहाँ पर चला गया, कैसे उसकी ट्रांसफ़र हो गई है। तो ये यहाँ पर सर्विस बुक करेंगे। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट, ये वाली डेट, रिलीविंग डेट सबसे इम्पोर्टेंट है, कि पहले आप क्या करते थे कि जब एलपीसी उस दिन, एलपीसी क्या होता था, कोई एम्प्लॉई 25 तारीख को ट्रांसफ़र हुआ है, मंथ की 25 तारीख को ट्रांसफ़र हुआ है, तो एलपीसी 30 तारीख तक की काट के दे देते थे और दूसरी जगह से अगले मंथ की पहली तारीख से सैलरी बननी शुरू हो जाती थी। लेकिन अब जब भी उसकी रिलीविंग डेट है, अगर फोरनून है तो फोरनून, अगर आफ्टरनून है तो आफ्टरनून, अदरवाइज उसकी सैलरी दूसरे प्लेस पे नहीं बनेगी, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सपोज एक एम्प्लॉई 15 तारीख को फोरनून में यहाँ से रिलीव हुआ है, तो 15 की फोरनून डालेंगे, और एलपीसी डेट में भी आपको 14 तारीख डालनी है, क्योंकि वो फोरनून में हुआ है, ये आपको कंसेप्ट पता ही होगा। अगर वो आफ्टरनून में हुआ है तो एलपीसी डेट में 15 तारीख डालेंगे, तो ध्यान से डालें एलपीसी डेट, आप ध्यान से डालें, अदरवाइज वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। रिलीविंग डेट जिस डेट को, जिस टाइम फोरनून या आफ्टरनून जब भी रिलीव हो रहा है वही डाल लें, सबसे इम्पोर्टेंट ये रिलीविंग डेट है। अगर आपने ये रिलीविंग डेट गलत डाल दी है तो आपकी सैलरी बनने में प्रॉब्लम आएगी। जब सैलरी जनरेशन वाला पेज मैं आपको शो करूँगा, वहाँ पे आपको ये दिखेगा कि ये तो 14 तारीख को ट्रांसफ़र हो चुका था, लेकिन यहाँ तो मैं 17 दिन की सैलरी बनानी पड़ रही है, अगर आपने रिलीविंग डेट गलत डाल ली होगी। और ये रिलीविंग डेट
एक बार आपने डाल दी, इसको बार बार चेंज भी नहीं किया जा सकता, मतलब आप अपने लेवल पे चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए या तो अपने हेडक्वार्टर में नहीं आपको हमें मेल करना पड़ेगा, इसके लिए आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पीछे कुछ डिपार्टमेंट्स ने ऐसे ही कुछ भी रिलीविंग डेट डाल दी, LPC डेट डाल दी, उसके लिए उनकी डेढ़ डेढ़ दो दो महीने तक की सैलरी नहीं बन पाई थी, सिर्फ रिलीविंग के डेट गलत डालने के चक्कर में वो ऐसे प्रॉब्लम में रहे कि रिलीविंग डेट हमने तो 14 को डाल दी, वहाँ LPC 17 को रिसीव होगी, ये पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने, तो इसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई। तो रिलीविंग डेट प्लीज़ करेक्टली डालें। अब उसके बाद है कि अगर वो आपके डिपार्टमेंट में हुआ, नेक्स्ट केस आता है कि वो आपके डिपार्टमेंट से किसी और डिपार्टमेंट में हुआ, उस डिपार्टमेंट का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसकी हेराइकी सेलेक्ट करेंगे, उसका ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, उसका डेजिग्नेशन वगैरह, ये सब कुछ ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट करोगे। अब आपके पास ये हो गया। अब उसके बाद तीसरा है कि अदर देन हरियाणा गवर्नमेंट, तो आप इस रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे। मैं अभी आपको हरियाणा गवर्नमेंट, अदर देन हरियाणा गवर्नमेंट का ऑप्शन बाद में बताता हूँ, उससे पहले मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कई बार क्या होता है, आप अपने डिपार्टमेंट से किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो, या आप अपने ही डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो, इन दो केसेस में ये ऑफिस ना कई बार ब्लैंक आता है, हो सकता है कि वहाँ पे ये ब्लैंक आ रहा हो। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि जिस DDO के पास आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, उस DDO ने ई पोस्टिंग में अपना ई पोस्ट का डाटा नहीं डाला। अगर ये ऑफिस ब्लैंक आ रहा है तो उस DDO ने ई पोस्टिंग में ई पोस्ट का डाटा नहीं डाला, तो प्लीज़ आप उनको फ़ोन करके कहिएगा कि आप अपना ई पोस्टिंग में डाटा डाल दो, तभी मैं एम्प्लॉई को ट्रांसफ़र कर पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं एम्प्लॉई को भी ट्रांसफ़र नहीं कर पाऊँगा। सेम केस ऐसा है यहाँ डेजिग्नेशन का। अगर जिस डेजिग्नेशन पे आप वहाँ पे ट्रांसफ़र करने जा रहे हो, वहाँ पे वो डेजिग्नेशन शो नहीं हो रहा, तो तब भी आप उस DDO को कॉन्टैक्ट करके कहेंगे प्लीज़ आप अपना ई पोस्ट में डाटा डाल दें। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज़ ए प्लेस से बी प्लेस पे चला गया और बी प्लेस पे क्लर्क की पोस्ट पे एम्प्लॉई जा रहा है, और वहाँ पे एक्चुअल में क्लर्क की पोस्ट तो है, लेकिन उसने ई पोस्ट में क्लर्क की पोस्ट नहीं डाल रखी, तो यहाँ पे वो क्लर्क का डेजिग्नेशन शो नहीं करेगा, तो फिर आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। लेकिन कुछ एम्प्लॉइज़ अपनी तरफ से डाटा सेंड कर देते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमारी तरफ से चला जाए, वो क्लर्क की जगह यहाँ पे डेजिग्नेशन कोई और सेलेक्ट कर लेते हैं, असिस्टेंट सेलेक्ट करके अपनी तरफ से डाटा भेज दिया कि हमारा तो काम कंप्लीट हो गया, अब वो अपने आप सुलटेंगे, अपने आप देखेंगे कि कैसे उसको करना है, तो तब भी उसका डेजिग्नेशन यहाँ से असिस्टेंट चला जाएगा और फिर वो सैलरी बनाने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए उसको तब तक ट्रांसफ़र ना करें जब तक आपको एक्चुअल डेजिग्नेशन जिस पे ट्रांसफ़र हो रहा है, एक्चुअल ऑफिस जब तक उसका शो ना होए, तब तक उसको ट्रांसफ़र ना करें, अदरवाइज़ उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है बहुत ज़्यादा। आगे फ्यूचर में सैलरी बनाते हुए उसका डेजिग्नेशन ही गलत शो होएगा अगर आप गलती से गलत डेजिग्नेशन यहाँ से सेंड करके भेज सकते हैं, और वो एम्प्लॉई कहीं पर कई बार शो भी नहीं होता। जब आपके पास ये सारे केसेस, ये सब कुछ ठीक होगा, तो आप भेज सकते हो। अब नेक्स्ट लास्ट केस था कि अदर देन हरियाणा गवर्नमेंट चला जाता है। अगर कोई एम्प्लॉई आपके डिपार्टमेंट से अदर देन हरियाणा चला जाता है, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट में चला गया, दिल्ली चला गया, या कहीं और किसी और स्टेट में चला गया, इन केसेस के लिए क्या करना है, रिलीविंग डेट तो फिर भी आपको करेक्ट डालनी ही डालनी है। इस ट्रांसफ़र टू होगा यहाँ पे ऑप्शन कि वो गया कहाँ, उसका डिटेल डालनी है। सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एम्प्लॉई एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, हायर एजुकेशन में, वो एम्प्लॉई वहाँ पे चला गया, दिल्ली में चला गया, AICTC में चला गया, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे डिटेल डालनी है कि वो किस प्लेस पे गया, ऑफिस का पूरा एड्रेस डालना है, और किस डेजिग्नेशन पे गया वो भी आपको डालना है। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे आपको डालनी है। अगर आपने प्लेस और डेजिग्नेशन नहीं डाला तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप सर्विस बुक देखने के लिए जाओगे फ्यूचर में, जब सर्विस बुक इसकी शो होगी, तो उसमें ट्रांसफ़र टू में आपको वहाँ पे ब्लैंक दिखाई देगा और फिर वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि CM सर ने ये बोला है कि ये सारी की सारी सर्विस बुक बंद हो जाएंगी और डिजिटलाइज सर्विस बुक चलेगी, ऑनलाइन सर्विस बुक में सब कुछ होएगा, तो वहाँ पे वो एंट्री ब्लैंक शो करेगा, तो फिर दोबारा आपको
उसको एंट्री को एडिट करना पड़ेगा, इसलिए जो भी एंट्री करें करेक्ट करें। तो ये ट्रांसफ़र का मैंने बता दिया। ट्रांसफ़र के लिए आपको अगर कोई यूज़र मैनुअल देखना है तो मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे ट्रांसफ़र एम्प्लॉई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसमें भी स्टेप बाय स्टेप आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई होगी कि ट्रांसफ़र कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैसे करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके ये वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल को ओपन करके आप ये सेव भी कर सकते हो और ये इसको ओपन भी कर सकते हो। तो ये ट्रांसफ़र का आ गया। नेक्स्ट आया आपका, आपने प्रमोशन ट्रांसफ़र जीपी ये सारी एंट्रीज कर ली, एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी की भी एंट्री मैंने आपको बता दी। फिर है सर्विस वेरिफिकेशन। जब भी आप ट्रांसफ़र करें तो जिस डेट को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस डेट तक की सर्विस वेरीफाइड करके ही आगे भेजें। अदरवाइज़ क्या होगा, यहाँ से आप अनवेरीफाइड सर्विस भेजेंगे वो आपको अनवेरीफाइड दूसरे प्लेस पे शो होगा और उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे सर्विस वेरीफाइड करके भी भेजें। तो ये दोनों स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये स्टेप्स आपको तभी करने हैं अगर किसी का कोई फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, प्रमोशन, आप पे लीव सस्पेंशन है, तभी करना है। अदरवाइज़ इनमें से एंट्री करने की ज़रूरत नहीं। सपोज़ एक एम्प्लॉई कहीं पे काम कर रहा है, वो 31 के 31 डेज ये सारे के सारे मंथ के सारे दिन आया है, ना उसने एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी ली है, ना आप पे ली है कोई, और ना ही उसका उस मंथ में कोई ACP लगा, ना ही कोई प्रमोशन हुआ, ना ट्रांसफ़र हुआ, तो आपने इन फॉर्म्स में जो मैंने अभी आपको बताए हैं इनमें आपको एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। एंट्री तभी करनी है अगर उस मंथ में कोई ना कोई हुआ है, मतलब कोई ना कोई अपग्रेडेशन या कोई ना कोई चीज़ हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है, तभी एंट्री करनी है, अदरवाइज आपको एंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें एक सस्पेंशन का रह गया था, वो सस्पेंशन का भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सस्पेंशन के लिए आपको फ्यूचर ट्रांजेक्शन में जाना है। यहाँ पे आप फ्यूचर ट्रांजेक्शन में गए, फ्यूचर ट्रांजेक्शन में यहाँ पे ऐसे आता है सर्विस बुक, ACR और पनिशमेंट। कई चेकर्स को खाली सर्विस बुक ही दिखता है, कईयों को सर्विस बुक ACR दिखता है या खाली पनिशमेंट दिखता है। तो जिस चेकर को जिस टाइप की परमिशन होगी, ये यूज़र परमिशन में आप जब परमिशन देते थे वहाँ पे मल्टीपल चेक बॉक्सेस को क्लिक करते थे, अगर परमिशन होगी तभी वो दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। अगर यहाँ पे आपको पनिशमेंट का नहीं दिखाई दे रहा है तो यूज़र लेवल एडमिन यूज़र से चेकर को और चेकर से मेकर में जाके यूज़र परमिशन दे। आप यूज़र परमिशन देते हुए आप उसको पनिशमेंट वाले, जैसे आपने सर्विस बुक वालों को टिक करके नीचे सेव किया था, ऐसे ही पनिशमेंट वालों को टिक करके जिस भी चेकर को परमिशन देना चाहते हैं उसको टिक करके वहाँ पर आप सेव कर देंगे। ये आपको यूज़र परमिशन में जाके करना है। आपके पास इस केसेस में कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, मतलब जो आप हमें मेल कर सकते हैं उस, लेकिन आपको वो करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका सॉल्यूशन हमने कर दिया है। कई बार क्या होता है, यूज़र परमिशन वाली स्क्रीन पे आप जाते हो, वहाँ पे आपको दिखता है कि वो डिसेबल्ड दिखते हैं और चेक लगे हुए होते हैं कि आप उनको चेक नहीं कर पाते, लेकिन वो डिसेबल्ड फॉर्म में होते हैं। इसका एक तो रीज़न है कि आपने दो चेकर बना रखे हैं, दूसरे वाले चेकर को इसकी परमिशन दे रखी है, तभी वो चेकड और डिसेबल्ड आते हैं। अगर आपने कोई और चेकर भी नहीं बना रखा फिर भी वो डिसेबल्ड और चेकड आ रहे हैं, आप उसको परमिशन नहीं दे पा रहे हो, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार उसको नीचे जाके सेव कर दें, एक बार नीचे जाके उसको सेव कर दें। जब लास्ट में उसको सेव कर दें तो उसको उस पेज को दोबारा से रीलोड कर दें, रिफ्रेश कर लें, एक बार दोबारा से खोल लें, फिर चेक करें कि वहाँ पे परमिशन आ रही है या नहीं आ रही है, और नहीं आ रही है तो टिक करके दोबारा से सेव कर लें। तो ये पहले कुछ यूज़र परमिशन में अगर कोई प्रॉब्लम थी तो ये सॉर्ट आउट हो चुकी है। अगर किसी का एक ही चेकर है और वो परमिशन नहीं दे पा रहा, वहाँ पे रेड आ रहा है, डिसेबल्ड आ रहा है या कुछ भी आए, तो एक बार सेव करके दोबारा से उसको परमिशन दें। सपोज़ वो खाली डिसेबल्ड आ रहा है, चेक एक केस था कि चेक्ड भी आ रहा है और डिसेबल्ड भी आ रहा है, उस केस में एक बार पहले आपको सेव करना है और फिर दोबारा से पेज रिफ्रेश होके उसको परमिशन देके सेव करना है, ये काम करना है। अगर वो खाली डिसेबल्ड आ रहा है, चेक्ड वाली प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको अपने डिपार्टमेंट एडमिन यूज़र नोडल ऑफिसर को कॉल करके ये कहना होगा कि हमारे लिए इस डेजिग्नेशन के लिए आपने एनी लेवल सेलेक्ट नहीं कर रखा,
मतलब उन्होंने कोई स्पेसिफिक लेवल सिलेक्ट कर रखा था पनिशमेंट के लिए, उनको कहना है कि प्लीज़ डिपार्टमेंट एडमिन यूज़र में जाके इसको करेक्ट कर दें, एनी लेवल कर दें। ऐसे जब आप एनी लेवल बोलोगे वो अपने आप ही समझ जाएंगे कि कहाँ पे उनको एनी लेवल करना है। तो अगर यहाँ पे परमिशन की प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप डिपार्टमेंट एडमिन यूज़र को जाके कर सकते हो। जैसे ही आप परमिशन दे दोगे तो यहाँ पे आपको पनिशमेंट का लिंक शो होने लग जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, सर्च करोगे, सर्च करने के बाद नीचे यहाँ पे जिन जिन एम्प्लॉई इस डेजिग्नेशन के अंदर आ रही होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये एम्प्लॉयज़ की लिस्ट जैसे यहाँ पे शो हो रही है वो शो हो जाएगी। जैसे ही एम्प्लॉई शो हुए, हर एक के आगे सेलेक्ट का बटन होगा, सेलेक्ट पे सर्च करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे दो टाइप के आपको वो दिखाई देंगे, दो टाइप के लिंक दिखाई देंगे, पनिशमेंट और सस्पेंशन। अगर किसी की पनिशमेंट है तो पनिशमेंट की एंट्री ज़रूर करें, अगर किसी की पनिशमेंट की एंट्री नहीं है तो पनिशमेंट की एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी की बैक डेटेड भी कोई पनिशमेंट है, अगर किसी की बैक डेटेड भी कोई पनिशमेंट है, प्लीज़ पनिशमेंट की एंट्री ज़रूर करें, हिस्टोरिकल में भी जाके और फ्यूचर में भी जाके। अदरवाइज़ आज के बाद जितनी भी पनिशमेंट की एंट्रीज होंगी वो ज़रूर करें। अभी हम सस्पेंशन की बात करते हैं, सस्पेंशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सस्पेंशन वाला फॉर्म खुल जाएगा। अभी ये सस्पेंशन डिटेल वाला फॉर्म खुल गया आपके पास, यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे ही आप ऐड करेंगे नीचे यहाँ पे आपके पास फॉर्म खुल जाएगा कि कैसे कैसे सस्पेंशन की एंट्रीज करनी है। वो अभी फॉर्म खुलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे सस्पेंशन की एंट्रीज करनी है। यहाँ पे सस्पेंशन का फॉर्म आपके पास खुल गया। अब सस्पेंशन वाले फॉर्म में यहाँ पे तीन टैब हैं, मोस्ट तीन टैब हैं। सपोज हर टैब का अलग अलग अपना ही रीज़न है। अगर फर्स्ट टाइम आप सस्पेंशन की एंट्री करने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम सस्पेंशन की एंट्री करने जा रहे हैं तो आप यहाँ से करेंगे। अगर उसका कोई अलाउंस चेंज हुआ है, सपोज पहले उसको 50% सैलरी मिलती थी, अब उसको 75% सैलरी मिलनी है, तो वो आप यहाँ से चेंज करेंगे। अगर वो रीइंस्टेट हो जाता है, रिवोक हो जाता है, मतलब उसका सस्पेंशन पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो आप इस वाले टैब से एंट्री करेंगे। अगर उसको फर्स्ट टाइम एंट्री करनी है तो आप सस्पेंशन ऑर्डर वाले टैब से एंट्री करेंगे। जो टैब ग्रीन होगा वो नीचे एक्टिवेटेड टैब होगा, मतलब अभी सस्पेंशन ऑर्डर वाला टैब यहाँ पे एक्टिवेटेड है। अगर कोई पर्सन आपके यहाँ पिछले 3-4 महीने से सस्पेंड है तो भी आपको उसकी एंट्री यहाँ पे करनी है। अगर कोई एम्प्लॉई आपका पहले से सस्पेंड चला आ रहा है तो उसकी भी आपके आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। तो यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसने उसको सस्पेंड किया वो करेंगे, किस ऑर्डर नंबर से हुआ, किस ऑर्डर डेट पे हुआ, किस डेट को सस्पेंड हुआ, ये सस्पेंशन डेट आप ध्यान से डालें, इसका सैलरी जनरेशन पे इफेक्ट होगा। क्या रीज़न था, उसको कितने परसेंट उसको सैलरी मिलनी है, वो डाल के यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। मैंने आपके लिए एक एंट्री को सेव करके रखा है, इसकी डिटेल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर उसका कोई अलाउंस डालना है, सस्पेंशन का कोई अलाउंस डालना है, सपोज उसको पहले वो 4 महीने से सस्पेंड था, पहले उसको 50% सैलरी मिलती थी, उसको 50% सैलरी मिलती थी, तो यहाँ पे 50 हमने डाल दिया, डेट डाल दिया, कब से वो सस्पेंड हुआ है, ये सारी चीज़ डाल दी। अगर अब उसको 75% सैलरी मिलनी है, मतलब कोई एक डेट होगी उससे वो 75% सैलरी लेगा, तो वो अलाउंस वाले में डालना है। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, अलाउंस वाले पे क्लिक करेंगे, जो भी टैब ग्रीन होगा वो एक्टिवेटेड टैब होगा। तो जैसे उसको ये पहली होगी, यहाँ पे आप डेट डाल लेंगे, किस डेट से उसको 75% मिलनी है वो डाल लेंगे, यहाँ पे परसेंटेज डाल लेंगे और सेव कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपके लिए एक डमी एंट्री कर रखी थी, ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी डमी एंट्री दिखाने के लिए, कि 5 तारीख को कोई सस्पेंड हुआ था और 5 से लेके फिर क्या हुआ, 7 तारीख, 5 के बाद उसको 50% मिलने लगा और फिर 7 तारीख से उसको 75% मिलने लगा। अगर ये ब्लैंक है इसका मतलब है एंड ऑफ द मंथ तक उसको 75% मिलेगा, तो आप यहाँ 7 सेलेक्ट करेंगे, 75 डाल देंगे, सेव कर देंगे। अगर वो पर्सन रिवोक हो गया या रीइंस्टेट हो गया, सपोज वो मंथ के बीच में कभी भी कोई पहले से सस्पेंड चला हुआ आ रहा था लेकिन वो रिवोक हो जाता है, सस्पेंड
पीरियड उसका ख़त्म हो जाता है, तो उसकी रिवोक डाल डेट, क्या डिसीजन हुआ था और किस अटैचमेंट, उसका जो भी रिवोक का रीइंस्टेट का कोई भी एक अटैचमेंट होगा वो आप यहाँ पे डाल के अपडेट कर देंगे तो वो रिवोक हो जाएगा। सस्पेंशन का ऑर्डर अगर पहली बार डाल रहे हैं तो इस टैब में डाल लेंगे, अगर उसका अलाउंस चेंज करना है 50% से 75% या कोई भी चेंज करना है तो वो यहाँ पे डाल लेंगे, अगर उसको रीइंस्टेट कराना है तो वो यहाँ पे डाल लेंगे। जो भी टैब यहाँ पे ग्रीन होगा वो नीचे टैब नीचे उसका फॉर्म खुला हुआ होगा, जैसे यहाँ पे रीइंस्टेट वाला टैब ग्रीन है तो नीचे रीइंस्टेट की आप एंट्री कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप सस्पेंशन की एंट्री डालेंगे। सस्पेंशन की एंट्री भी आप एक बार में ही डाल सकते हो, आपको हर एक मंथ डालने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ कोई एम्प्लॉई मई में सस्पेंड हो गया था, वो अभी भी सस्पेंड ही चल रहा है, तो आप मई की एंट्री इसमें डाल के सेव कर दीजिए और आपको हर एक मंथ एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक मंथ अगर आपको एंट्री करनी है तो वो एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी में करनी है, क्योंकि हमें ये मंथ में ही पता चलता है वो कब एब्सेंट हुआ है, अदरवाइज़ वो लॉन्ग पीरियड की एंट्री आप एक बार में भी इन दोनों के लिए कर सकते हैं। इस तरीके से ये दोनों ख़त्म हो गए हैं। सस्पेंशन में भी अगर किसी का सस्पेंशन है तो ही आपको एंट्री करनी है, अदरवाइज़ उसको एंट्री नहीं करनी है, ऐसे ही इन सब में। इसीलिए यहाँ पे मैंने इफ़ एनी लिखा है, अगर किसी का है तो ही वहाँ पे एंट्री करेंगे, अदरवाइज़ एंट्री करने की ज़रूरत नहीं। ये वाली सारी एंट्री आप मेकर या चेक करके उससे कर देंगे। और जो अब नेक्स्ट स्टेप आता है सैलरी जनरेशन, आप सैलरी जनरेट करने के लिए कैसे आपको डाटा यहाँ से भेजना है वो वाला स्टेप मैं बताता हूँ, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के यूज़र को है। वो जब आप ये एंट्री कंप्लीट करेंगे तभी आप सैलरी जनरेशन वाले पेज पे जाएं। अगर आप पहले सैलरी जनरेशन वाले पेज पे चले जाते हैं तो आपको डाटा वहाँ पे गलत शो करेगा। नेक्स्ट है सैलरी जनरेशन के लिए, सैलरी जनरेशन सिर्फ चेकर में आपको शो करेगा, मेकर में शो नहीं करेगा। आई रिपीट, सैलरी जनरेशन का फॉर्म सिर्फ चेकर में शो करेगा, मेकर में शो नहीं करेगा। तो जैसे सैलरी जनरेशन पे यहाँ पे क्लिक किया आपने, सैलरी जनरेशन के लिए ये मैनुअल आपको लिए काम आएगा, इंटीग्रेशन विद ई सैलरी, ये वाला मैनुअल, ये दोनों नीचे मैनुअल आपको लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। सैलरी जनरेशन का आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये फॉर्म दिखाई देगा, यहाँ पे भी आपके लिए ये मैनुअल अवेलेबल है, आप यहाँ से भी इनको डाउनलोड करके हेल्प आउट ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर रेड में लिखी है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर कोई भी फॉर्म पे रेड में लिखी है या आपके पास कोई पॉपअप में आपके पास मैसेज आता है, प्लीज़ उसको एरर मैसेज मत समझें, प्लीज़ उसको रीड आउट करें, वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करने के लिए ही होती है। जनरली सबकी यही आदत होती है, इवन तक कि मतलब कोई हायर ऑफिसर भी होता है उसकी भी यही आदत होती है, वो क्या करता है कि कोई भी अगर पॉपअप मैसेज आता है उसको ओके करके स्किप कर देता है, लेकिन प्लीज़ उसको चेक करें कि उसमें क्या लिखा है और फिर ही ओके करें, इससे आपको हेल्प आउट हो सकती है। तो सैलरी जनरेशन का यहाँ पे आ गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि पेंडिंग केसेस का मतलब क्या है, ऑलरेडी सेंट टू ई सैलरी का मतलब क्या है, रिजेक्टेड का मतलब क्या है, इसकी अगर इस रिपोर्ट में टाइम क्यों लगता है, यहाँ पे लिखा है कि बेसिक पे और पे स्केल को ध्यान से चेक कर लें भेजने से पहले, उसके बाद वो विड्रॉ नहीं होंगे, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो ये मैसेज आप प्लीज़ पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप मंथ सेलेक्ट करेंगे, कौन से मंथ को आपको ये काम करना है, जो सैलरी जनरेशन का काम आपको करना है वो 20 तारीख के बाद करना है। आई रिपीट, सैलरी जनरेशन का कोई भी अगर आपको काम करना है वो 20 तारीख के बाद करना है, महीने की 20 तारीख के बाद करना है। उससे पहले अगर आप सैलरी जनरेशन का काम करते हैं तो आपको डाटा भेज तो दोगे लेकिन गलत डाटा चला जाएगा, इसलिए 20 तारीख के बाद ही ये काम करें सैलरी जनरेशन का, जैसे कि आप ई सैलरी में काम करते थे वैसे ही। अगस्त सेलेक्ट करेंगे, पेंडिंग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सर्च कर सबमिट पे क्लिक करेंगे, जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, कई बार ये रिपोर्ट थोड़ा टाइम लेती है क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत सारे जगह से डाटा लेके आती है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा प्रोवाइड किया जाए और एक्यूरेट किया जाए, इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम लेती है। तो प्लीज़ यहाँ पे भी आप थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि प्लीज़ वेट फॉर 2 to 5 मिनट, ये एक्सेप्शनल केस है, अगर बहुत ही ज़्यादा आपका नेट स्लो चल रहा है, बहुत ज़्यादा नेट आपका स्लो चल रहा है, तब आपके केस में ये आपको 2 मिनट तक वेट करा सकती है। अगर आपकी नेट की स्पीड बिल्कुल ठीक है
तो आपको इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये नेट की स्पीड पे भी वेरी करता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे ये तेज़ शो होएगा, हर एक के आगे चेकबॉक्स का चेक शो होएगा। ये हर एक जितने भी यहाँ पे ये हैं, हर किसी कॉलम की कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है। मैं बता देता हूँ, सपोज़ ये डीडीओ डिटेल, यहाँ पे डीडीओ का नाम चेक करेंगे कि डीडीओ का नाम ठीक है या नहीं। ये डीडीओ का नाम, वो वाला डीडीओ का नाम आएगा जो इसकी सैलरी बनाएगा, मतलब ई सैलरी में जो इसकी सैलरी बनाएगा उस डीडीओ का नाम आएगा। तो प्लीज़ देख लें ठीक है या नहीं। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक पर्सन ए प्लेस से बी प्लेस पे चला गया, तो यहाँ पे दो एंट्रीज उसको दिखाई देंगी। उसको 15 तारीख को वो ए प्लेस से बी प्लेस पे गया, तो 1 से 15 की एंट्री एक जगह दिखाएगी देगी एक डीडीओ के नाम के आगे, और 16 से लेके एंड ऑफ द मंथ तक की दूसरे के पास दिखाई देगी, तो दूसरे डीडीओ। तो आप ये मत सोचें कि दो डीडीओ क्यों दिखा रहा है, तो आप ये देख लें कि स्टार्ट डेट और एंड डेट का क्या चक्कर है। तो ये डीडीओ का नाम देख लेंगे, तो जब वो ट्रांसफ़र हो गया होगा तो दो डीडीओ के नाम दिखाएगा, तो जो डीडीओ उसकी सैलरी बनाएगा उस डीडीओ का नाम यहाँ पे शो करेगा। नाम, अगर नाम गलत है तो वो भी आप चेक कर लें, यूनिक कोड। उसका डेजिग्नेशन, अगर ये डेजिग्नेशन गलत आ रहा है तो इसका मतलब आपने प्रमोशन में सही एक्यूरेट एंट्री नहीं कर रखी है। तो इसलिए ही मैं बार बार आपको ये कह रहा था कि आप 30/6 तक की सारी एंट्री करें, 30/6/2017 तक की आप सारी की एंट्री करें। अदरवाइज़ जब आप ये सैलरी जनरेशन वाले पेज पे, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब डेजिग्नेशन भी यहाँ एक एम्प्लॉई के दो आ सकते हैं, मतलब दो रोज़ आ सकती हैं, दो रोज़। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज़ आपने 30/6 तक की एंट्री कर दी, फिर जुलाई की इंक्रीमेंट लगा दी, और फिर उसके बाद आपको क्या हुआ, अगस्त में ना किसी पर्सन का प्रमोशन हो जाता है, मतलब 15 तारीख को उसका प्रमोशन हो गया। सपोज़ अगस्त में उसका प्रमोशन हुआ, वो पहले, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पहले वो असिस्टेंट इंजीनियर था, फिर वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन गया, तो अब सैलरी कैसे ड्रॉन होगी? 15 दिन की सैलरी उसकी असिस्टेंट इंजीनियर पे होगी, और फिर बचे हुए दिनों की सैलरी उसकी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पे होगी। तो यहाँ पे आपको दो रोज़ शो करेगी, एक रोज़ नहीं, दो रोज़। ये दो रोज़ तीन केसेस में शो हो सकता है। नंबर वन, अगर वो ट्रांसफ़र हुआ है तो भी दो रोज़ आएंगी, अगर उसका प्रमोशन हुआ है तब दो रोज़ आएंगी, अगर उसका कोई ACP लगा है या कोई भी एनुअल इंक्रीमेंट या कोई भी चेंज हुआ है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, तब भी दो ही रोज़ आएंगी, क्योंकि कुछ दिन की सैलरी इस हिसाब से बनेगी और कुछ दिन की सैलरी दूसरे पे बेसिक पे उन पे बनेगी, इसलिए दो रोज़ आती हैं यहाँ पे। फिर चेक कर लेंगे कि बेसिक पे ठीक है या नहीं। अगर यहाँ पे दो रोज़ आ रही हैं तो दोनों रोज़ की बेसिक पे ठीक है या नहीं। अगर ये बेसिक पे ब्लैंक आ रही है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपने फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में जाके एंट्री नहीं करी। अब ऐसा केस भी हो सकता है कि कोई नए अपॉइंटीज हुए हों, नए लगे हों, मतलब 3-4 महीने से ही उन्होंने ज्वाइन कराओ, तो उनका कोई भी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन नहीं हुआ होगा, तो यहाँ वो ब्लैंक शो करेगा। इसके लिए हम आपको यहाँ पे अभी एक ऑप्शन दे देंगे कि उसका एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग क्या बेसिक पे था, वो आप एंटर कर सकते हो, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे आप पे स्केल चेक कर लेंगे कि ये ठीक है या नहीं। इन दो कॉलम को तो आप ज़रूर चेक करें कि बेसिक पे, उसका पे स्केल और स्टार्ट डेट, किस दिन से किस दिन तक की कितने दिन की सैलरी इस बेसिक पे स्केल पे बनेगी, कितने से कितने दिन की सैलरी इस बेसिक पे इस पे स्केल पे बनेगी। अगर दो एंट्रीज हैं तो, अगर एक एंट्री है तो एक के केस में भी चेक करेंगे। जब आपने देख लिया ये तीनों चीज़ें इसकी बिल्कुल सही हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि इसके नंबर ऑफ फुल डेज कितने हैं, एबसेंट कितने हैं, सस्पेंशन के कितने थे और 75% वाले कितने थे। अभी मैंने जैसे सस्पेंशन की एंट्री डाली थी, दो दिन के लिए 50% दिया था और बचे हुए दिन के लिए 75%, तो वो एंट्रीज आप यहाँ पे चेक करेंगे। अगर आपको लगता है इनमें से कोई भी एंट्री गलत है, तो जो मैंने ये दो स्टेप्स के लिए आपको ये बताया था, उन्हीं रेस्पेक्टिव पेज पे जाके उस एंट्रीज को करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक पे और पे स्केल, ये दोनों चीज़ें करेक्ट करनी, चेक करनी ज़रूरी है। यहाँ पे दो एंट्रीज, मैं रिपीट कर देता हूँ, दो एंट्रीज तभी दिखा सकता है अगर वो ट्रांसफ़र हुआ है तो डीडीओ अलग अलग दिखाएगा, अगर उसका प्रमोशन हुआ है तो दो डेजिग्नेशन अलग अलग दिखाएगा,
अगर उसका एसीपी लगा है या एनुअल इंक्रीमेंट लगाया है, मंथ के बीच में आपने एनुअल इंक्रीमेंट लगाया या कोई भी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हुआ है, तो आपको यहाँ पे बेसिक पे और पे स्केल अलग अलग दिखाएगा और उसी के हिसाब से यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट दिखाएगा। सपोज एक एम्प्लॉय का प्रमोशन 14 तारीख को होता है, 14 अगस्त को एक एम्प्लॉय का प्रमोशन होता है, आपने प्रमोशन में उसकी एंट्री डाल दी है, आपने वहाँ पे उसकी ज्वाइन डेट 14 डाल दी है, 14 ना डाल के गलती से आपसे 17 डल गई है, तो यहाँ पे 1 से 17 दिखाएगा, तो आपको वही प्रमोशन वाली स्क्रीन में जाके उसको एडिट करके 14 करना है, तो यहाँ 1 से लेके 14 तक उस डेजिग्नेशन के लिए दिखाएगा। तो प्लीज़ ये ध्यान से ज्वाइन डेट, डेट ऑफ ग्रांट या ट्रांसफ़र जो कर रहे हैं ये करेक्ट करें, तो ये यहाँ पे करेंगे। जैसे आपको लगे कि ये एंट्री मेरी बिल्कुल करेक्ट है, ये एंट्री इस एम्प्लॉई के लिए बिल्कुल करेक्ट है, ये एक्सरसाइज आपको 1 या 2 महीने करनी पड़ेगी, फिर जब चीज़ें स्टेबलाइज्ड हो जाएगी तो आप फटाफट ये काम कर लोगे। फर्स्ट मंथ तो इसको प्लीज़ अच्छे से चेक करें कि बेसिक पे, पे स्केल, डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉरवर्ड टू DDO फॉर सैलरी प्रिपरेशन, अब ये एंड पॉइंट आ गया है HRMS का कि यहाँ से DDO के पास चली जाएगी जो भी डिटेल आपने यहाँ से भेजी है कि कितने नंबर ऑफ एब्सेंट डेज हैं, कितने क्या है क्या है और किस पे स्केल बेसिक पे पे उसकी सैलरी बनेगी, अब ये DDO के पास चली जाएगी। अब आपको DDO को एडिट सैलरी डिटेल पेज पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो अपडेटेड सक्सेसफुली आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर वही बात मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जब भी आप यहाँ चेक करें तो यहाँ पे एक हेडिंग आएगा, आप उस हेडिंग को ज़रूर ध्यान से देख लें कि मैं कौन से वाले मैंने ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर रखे हैं, अदरवाइज़ वो आपको गलत नीचे गलत डाटा भी आप यहाँ से सेंड कर सकते हो, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखें कि कौन से डाटा को मैंने यहाँ से भेजा है। जैसे ही आप यहाँ से भेज देंगे वो जनरेटेड वाली लिस्ट में चला जाएगा, अगर वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुका होगा, अगर वो रिजेक्ट हो गया होगा तो वो रिजेक्टेड वाली लिस्ट में चला जाएगा, तो प्लीज़ रिजेक्टेड वाली लिस्ट भी एक बार फाइनल उसमें देख लें कि कोई मेरा रिजेक्टेड तो नहीं हुआ। रिजेक्ट होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, सपोज आपने HRMS में तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया लेकिन ई सैलरी में आपने LPC जनरेट या रिसीव का प्रोसेस नहीं किया तो रिजेक्टेड वाली लिस्ट में शो करेगा, अदरवाइज़ वो रिजेक्टेड वाली लिस्ट में शो नहीं करेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ जब भी कोई एम्प्लॉई ट्रांसफ़र होता है तो HRMS में तो ट्रांसफ़र करें ही करें और साथ के साथ ई सैलरी में भी उसको वो LPC जनरेट और रिसीव का काम ज़रूर करें। अगर एक जगह भी दोनों में से एक जगह एक का भी काम रह गया तो सैलरी बनाने में उसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो जनरेटेड वाली लिस्ट में जाएंगे तो वो जनरेटेड वाली लिस्ट में आपको यहाँ पे शो करने लग जाएगा। ये जनरेटेड वाली लिस्ट में शो करने लग गया, इसका मतलब ये इस एम्प्लॉई का डाटा मैं भेज चुका हूँ, DDO को भेज चुका हूँ, अब DDO का काम है इसकी सैलरी बनाना, मेरा कोई काम नहीं है इसकी सैलरी बनाने का, अब ये काम सब सिर्फ DDO ही करेगा, मैं कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, इस्टेब्लिशमेंट यूज़र का काम कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद जब DDO के पास आएगा, DDO को क्या करना है, एडिट ये सैलरी जनरेशन में जाए, वहाँ पे जाएगा जनरेट पेबिल में, वो एडिट सैलरी डिटेल पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं, उसमें चला जाएगा डायरेक्ट। जनरेट पेबिल में चला जाएगा, हाँ जैसे पहले जाता था वैसे ही जनरेट पेबिल में चला जाएगा, लॉगिन करेगा, पेबिल में जाएगा, जनरेट पेबिल में, डायरेक्ट जनरेट पेबिल में जाएगा, एडिट सैलरी डिटेल पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको लोन या कोई भी डिडक्शन का चेंज करना है तभी वो उसमें एडिट लोन डिटेल्स एडिट उसमें जाएगा, अदरवाइज जनरेट पेबिल में जाएगा। अब कोई भी चेंजेस होगा लोन में, किसी भी चीज़ में चेंज होगा तो वो मेकर में जाके, जैसे वो वहाँ पे एडिट लोन डिटेल का फॉर्म होगा उसमें जाके एडिट लोन डिटेल में जाके वो सारी चीज़ करेगा। यहाँ पे वो पेबिल सेलेक्ट करेगा, पेबिल सेलेक्ट करने के बाद मंथ और ये सेलेक्ट करके व्यू एम्प्लॉई करेगा। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, IAS है, HCS है, पॉलिटिकल है या कॉन्ट्रेक्चुअल है, सिर्फ ये ही एम्प्लॉई है, तो उनके लिए आपको HRMS में कुछ नहीं करना, उनकी सैलरी आप डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हैं या जैसे आप पहले काम करते थे वैसे ही करेंगे। एडिट सैलरी डिटेल पेज पे जाके अगर बेसिक पे चेंज करनी है तो वैसे ही करेंगे।
इन टाइप के एम्प्लॉइज़ का डाटा आप जैसे पहले काम करते थे वैसे ही काम करना है, इनके लिए कुछ भी प्रोसेस को चेंज नहीं हुआ। अगर किसी का पहले ई सैलरी में एरियर वेरियर बनाने का जो प्रोसेस था सब कुछ वैसे के वैसे ही है, सिर्फ चेंज इतना हुआ है कि एडिट सैलरी डिटेल पेज पे जो आप एब्सेंट डेज डालते थे या नंबर ऑफ डेज डालते थे या उसका पे स्केल और बेसिक पे डालते थे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के लिए, वो आपको वहाँ पे नहीं डालना, वो आपको HRMS में डालना है। इन एम्प्लॉइज़ का डाटा यहीं पे शो होएगा। अगर कोई एम्प्लॉई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है फिर भी वो आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो एडिट जॉब डिटेल में जाके, एडिट जॉब डिटेल में जाके प्लीज़ उसका चेक कर ले टाइप ऑफ सर्विस क्या है। अगर वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज़ है या IAS है और वहाँ पे आपने जॉब डिटेल में स्टेट का कर रखा है तो वो एम्प्लॉई यहाँ पे आपको शो नहीं होगा, तो प्लीज़ एडिट जॉब डिटेल भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। जब यहाँ पे चेक हो गया, यहाँ पे आप जनरेट कर देते हैं, जनरेट का बटन क्लिक करके जनरेट कर सकते हैं, अगस्त की सैलरी को जनरेट कर दिया आपने, तो फिर उसके बाद DDO इस बार ज़रूर चेक करें। आई रिक्वेस्ट जितने भी DDOs हैं वो ज़रूर चेक करें कि पेबिल की रिपोर्ट में जाके चेक करें उसका HRA ठीक है या नहीं, उसका बेसिक पे ठीक है या नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें वो ज़रूर चेक करें हर एक एम्प्लॉइज़ के लिए। ये एक्सरसाइज DDO को 1 या 2 महीने करनी पड़ेगी, अगर चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएंगी फिर ये एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो DDO प्लीज़ चेक करें। DDOs को मैं इसलिए बोल रहा हूँ चेक करने के लिए क्योंकि पहले DDO मेकर के लॉगिन से एडिट सैलरी डिटेल पेज से अपने आप एडिट करके उसकी सैलरी या नंबर ऑफ एब्सेंट डेज डालते थे, अब वो नहीं डाल रहे, कोई और यूज़र डाल रहा है, हो सकता है कि वो गलत भी भेज दे, तो इसलिए प्लीज़ यहाँ रिपोर्ट में आज के बाद जितने भी डेज जब भी सैलरी बनाए तो पेबिल रिपोर्ट में वो ज़रूर चेक कर लें। अगर वो पेबिल रिपोर्ट में करेक्ट है तो ही वो सेंड टू ट्रेजरी करें, अदरवाइज वो सेंड टू ट्रेजरी करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने इस्टेब्लिशमेंट वालों को बोल लें कि आपने इसकी बेसिक पे गलत भेजी है या इसका HRA गलत कैलकुलेट हो रहा है, ये सारी चीज़ वो उसको बताएं। जब उसको बताएंगे या उसके नंबर ऑफ डेज गलत हो रहे हैं तो इस्टेब्लिशमेंट वाला यूज़र यहाँ से उसको विड्रॉ करेगा। विड्रॉ करने के बाद फिर दोबारा से वो पेंडिंग वाले में शो करने लग जाएगा। आई रिपीट एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, DDO का काम क्या है, जनरेट पेबिल में गया, उसने जनरेट पेबिल कर दिया, उसके बाद रिपोर्ट में जाके पेबिल वाली रिपोर्ट में HRA उसकी बेसिक पे कितने नंबर ऑफ डेज के लिए सैलरी बननी है ये सारी चेक कर ली। अगर ठीक है तो वो सेंड टू ट्रेजरी कर देगा, अगर गलत है, किसी की कोई भी चीज़ गलत है, चाहे इवन HRA गलत है चाहे ये कुछ भी गलत है उसे मैं बता देता हूँ सर, अगर कोई भी चीज़ गलत है जैसे उसके नंबर ऑफ एब्सेंट डेज गलत हैं या उसकी हाफ पे के डेज गलत हैं या उसकी बेसिक पे गलत है या उसकी कोई भी चीज़ गलत है, तो वो अपने इस्टेब्लिशमेंट वाले यूज़र को कहेगा कि इसकी बेसिक पे जो आपने भेजी थी वो गलत है, कितने नंबर ऑफ डेज की इसकी सैलरी बननी चाहिए थी वो गलत बन रही है वो चीज़, तो इस्टेब्लिशमेंट वाला यूज़र विड्रॉ करके दोबारा इन एब्सेंट वाले पेजेस पे या फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में या कहीं भी जाके जहाँ भी उसको लगता है कि ये वाली चीज़ गलत है वो वाली चीज़ वहाँ पे उसको एडिट करेगा। अगर किसी का कोई भी डिडक्शन गलत आ रहा है या कोई भी लोन का इंटरेस्ट या कोई भी चीज़ गलत आ रही है तो वो सही करेक्ट DDO को ही करना पड़ेगा। सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट वाला यूज़र एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, हाफ पे लीव, सस्पेंशन, ये वाली चीज़, बेसिक पे और पे स्केल, ये वाली चीज़ ही एडिट कर पाएगा। कोई भी लोन का डिडक्शन है या कोई भी मेडिकल का है या HRA की प्रॉब्लम है वो DDO को करना है। DDO कैसे करेगा, मेकर में लॉगिन करके वो एडिट लोन डिटेल, एडिट इंटरेस्ट, मेडिकल डिडक्शन जो भी है वो सारी चीज़ें करनी है। अगर किसी को डिडक्शन डालनी है या मेडिकल वगैरह अलाउंसेस वगैरह डालने हैं तो एडिट सैलरी डिटेल पेज पे जाके वहाँ से अपडेट कर सकते हैं। वहाँ पे आप नंबर ऑफ डेज अब से अपडेट नहीं कर सकते लेकिन वो एडिट सैलरी डिटेल पेज आपके लिए ओपन है, वहाँ पे जाके आप उसके अलाउंसेस वगैरह चेंज कर सकते हैं अगर किसी के चेंज करने हैं तो, अदरवाइज नहीं। सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट वाले यूज़र को इन वाली चीज़ों के लिए ही कह सकते हैं आप कि एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, हाफ पे लीव गलत है या सस्पेंशन के डेज उसने गलत भेजे हैं
या बेसिक पे ही पे स्केल गलत भेजा है तभी आप उनको कह सकते हैं, अदरवाइज उनको आप कह नहीं सकते। उसके अलावा जो भी डिडक्शन का काम है, जो भी आपको अलाउंसेस का काम है, जो भी लोन्स का काम है, जैसे आप पहले करते थे वैसे की वैसे ही करेंगे। इस बार जब आप रिपोर्ट निकाल लें तो रिपोर्ट ज़रूर चेक कर लें। कई लोगों का पिछले लास्ट मंथ ऐसा हुआ कि उनका ग्रेड पे की कोई प्रॉब्लम थी या कोई सी प्रॉब्लम थी तो एचआरए गलत दिखा रहा था, तो उन्होंने डीडीओस ने हमें बताया कि एचआरए गलत दिखा रहा है, तो इसलिए वहाँ पे भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो प्लीज़ ध्यान से देखें, ये सैलरी जनरेशन का भी मैंने आपको बता दिया और ई सैलरी में आपको कैसे कैसे काम करना है वो सारी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे रिपीट कर दी है। एक बार मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। सबसे पहले सारी की सारे सबसे पहले काम क्या करना है, कोई भी एम्प्लॉई अगर एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो वो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट कर ले, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भर ले। उसके बाद हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन में 31/12/2015 तक का सारा डाटा आप फिल कर दे, प्रमोशन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का। उसके बाद 1/1/16 से 30/6/16 तक का आप फ्यूचर ट्रांजेक्शन में आप डाटा फिल करेंगे प्रमोशन या फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का, अगर कोई भी डाटा है तो। इसमें अगर किसी का पे रिवीजन हुआ है तो जनरल पे रिवीजन की एंट्री करेंगे, अगर किसी का जुलाई 2016 में इंक्रीमेंट लगा है तो उसकी भी एंट्री करेंगे। उसके बाद जब अगर आपने 30/6/2017 तक की एंट्री आपने फ्यूचर ट्रांजेक्शन में आपको लगता है कि सारी की सारी एंट्रीज मैंने बिल्कुल करेक्ट सेव कर दी हैं, उसके बाद आप एनुअल इंक्रीमेंट वाली स्क्रीन पर जाएंगे और एनुअल इंक्रीमेंट लगाएंगे। वहाँ पे आपको तीन टाइप की रोज शो होंगी, अगर वाइट और येल्लो हैं, वाइट येल्लो ऑरेंज टाइप से हैं तो आप उस डाटा को प्रपोज्ड वाले को अच्छे से चेक करेंगे, अगर सही है तो उसको सेव कर देंगे। अगर वो रेड आ रही है तो रेड के आगे का रीज़न देखेंगे, हर एक के आगे रीज़न जरूर है, रीज़न जरूर देख के उसको आगे करेक्ट करके उसको सेव करेंगे। वहाँ पे विड्रॉल करने का कैसे ऑप्शन है वो आप मैनुअल से भी गेट कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने जुलाई की इंक्रीमेंट लगा दी, अगर अगस्त में किसी का फाइनेंशियल अपग्रेडेशन या प्रमोशन होता है तो ही एंट्री करेंगे, नहीं आपको कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जब आप ये काम कर लेंगे, उसके बाद हर एक मंथ आपको एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, हाफ पे लीव, सस्पेंशन, प्रमोशन, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन या ट्रांसफ़र, अगर किसी का है, आई रिपीट, अगर किसी का है तो एंट्री करनी है, अदरवाइज कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई एम्प्लॉई 31/31 आया है, ना तो उसका प्रमोशन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन कुछ नहीं हुआ, तो इस्टेब्लिशमेंट वाले यूज़र को कहीं पे कुछ नहीं करना है, वो डायरेक्ट सैलरी जनरेशन वाले पेज में पेंडिंग में जाके उसका रिकॉर्ड चेक कर सकता है, अगर है तो अपडेट करेंगे। जब आपने ये सारी चीज़ें अपडेट कर दी, फिर चेकर के लॉगिन से, ये जो दिखेगा आपको चेकर के लॉगिन से ही दिखेगा, चेकर के लॉगिन से सैलरी जनरेशन वाले पेज पे जाएंगे। सैलरी जनरेशन वाले पेज पे जब जाएंगे तो आप हर एक एम्प्लॉई का बेसिक पे, पे स्केल, डेजिग्नेशन, स्टार्ट डेट, एंड डेट और ये सारी चीज़ें आप अच्छे से चेक कर लेंगे। जब आपको ये लगता है ये सारी चीज़ करेक्ट है तो चेकबॉक्स चेक करके उसको फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे ही आपने फॉरवर्ड कर दिया तो आपके आपकी तरफ से डाटा चला गया। अब ये डीडीओ का काम है इसका सैलरी बनाने का। अब मैं जो लास्ट स्टेप है डीडीओ को काम कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ई बिलिंग में जाएगा, वो जनरेट पे बिल में जाएगा, पे बिल को जनरेट करेगा। अगर यहाँ पे उसको कोई एम्प्लॉई शो नहीं हो रहा, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, आईएएस, एचसीएस, पॉलिटिकल और कॉन्ट्रेक्चुअल है, वो उनका काम जैसे पहले डीडीओ काम करता था वैसे का वैसे ही करना है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया। जो भी अब चेंज आया है वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के डाटा में चेंज आया है, इन टाइप के एम्प्लॉयज़ के केसेस में कुछ भी चेंज नहीं आया, वो जैसे पहले सैलरी बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पे जनरेट पेबिल में जाएंगे, पेबिल को जनरेट करेंगे। अगर उसको एम्प्लॉई शो नहीं हो रहा तो अपने इस्टेब्लिशमेंट वाले को कहेंगे भाई ये वाला एम्प्लॉई शो नहीं हो रहा, इसका डाटा आप फॉरवर्ड कर दो। जैसे वो फॉरवर्ड करेगा यहाँ पे शो होने लग जाएगा। यहाँ पे जब बिल बनाया तो पेबिल रिपोर्ट में जाएंगे, पेबिल रिपोर्ट में उसका एचआरए, अलाउंसेस, उसका बेसिक पे, कितनी डेज की कितनी सैलरी बननी थी, हर एक एम्प्लॉई के लिए प्लीज़ चेक कर लेंगे। अगर गलत हुआ तो फिर आपको फ्यूचर में एरियर बनाने पड़ेंगे या कुछ कुछ करना पड़ेगा, विड्रॉल करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ सकती हैं, तो प्लीज़ एक बार ध्यान से चेक कर लेंगे। अगर कोई भी एब्सेंट डेज या बेसिक पे गलत है तो आप इस्टेब्लिशमेंट वाले यूज़र को कहेंगे भाई एब्सेंट गलत आ रहे थे, नंबर ऑफ डेज गलत आ रहे हैं यहाँ पे, या उसकी बेसिक पे यहाँ पे गलत शो कर रही है,
तो वो एस्टेब्लिशमेंट वाला यूज़र यहाँ से विड्रॉ करके जो भी उसको चेंज करने हैं वो चेंज करके दोबारा इसको सेंड करेगा। अगर उसको लगता है कि अलाउंसेस में गलत आ रहा है, अलाउंसेस गलत आ रहे हैं इसके, इसकी रिडक्शन वगैरह गलत आ रही है, या इसका कुछ भी गलत ऐसी लोन के रिगार्डिंग कुछ गलत आ रहा है, तो जैसा DDO पहले करता था वैसे ही करेगा चेंज। सिर्फ चेंज क्या हुआ है कि एडिट सैलरी डिटेल पेज पे जो नंबर ऑफ डेज और बेसिक पे भेजते थे वो इस्टेब्लिशमेंट वाला भेजेगा, वो DDO करेक्ट नहीं कर सकता। उसके अलावा जो भी DDO पहले काम करता था वो एज इट इज़ वैसे का वैसे करेगा। यहाँ पे अगर सब कुछ ठीक है तो फॉरवर्ड टू ट्रेजरी कर देगा, मतलब सेंड टू ट्रेजरी कर देगा। अगर हो सकता है सेंड टू ट्रेजरी करने के बाद भी आपको पता लगता है हाँ भाई इस एम्प्लॉय का डाटा गलत हो चुका है, मतलब ये एम्प्लॉई का डाटा गलत हो गया है, हमारे से गलत सेंड हो गया है, तो पहले तो DDO इसको रिकॉल करेगा। रिकॉल करने के बाद यहाँ पे उसको विड्रॉ करेगा, इस्टेब्लिशमेंट वाला विड्रॉ करेगा। इस्टेब्लिशमेंट वाला विड्रॉ करने के बाद उसका डाटा करेक्ट करेगा। ये यूज़र मैनुअल्स जो आपको प्रोवाइड है इसमें विड्रॉल का भी प्रोसेस सारा का सारा लिखा है। एक बार ये चारों भी यूज़र मैनुअल्स भी आप देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ईमेल आईडीज़ प्रोवाइड करा देता हूँ। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो ईमेल आईडीज़ और फ़ोन नंबर या अपने नोडल ऑफिसर का फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी आपके पास है तो उसको मेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने उनको 3 दिन की ट्रेनिंग दी है और बहुत अच्छे से उनको क्लियर कराया है। उसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी टेक्निकल इश्यूज आता है कि टेक्निकली गलत दिखा रहा है या कुछ ऐसी चीज़ दिखा रहा है, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर किसी भी ड्रॉप डाउन में उसको लगता है कि इस टाइप की भी प्रमोशन होती है वो ड्रॉप डाउन में नहीं आ रहा है, तो वो भी आप हमें इनपुट दे सकते हैं, इस तरीके के लिए आप इनपुट दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपने नोडल ऑफिसर को मेल करेंगे, उनको फ़ोन करेंगे, फिर नोडल ऑफिसर ही हमारे पास कॉल या मेल करेगा। मैं आपको बता देता हूँ नोडल ऑफिसर्स के फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास सेव्ड हैं, आप लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास सेव नहीं है। अगर आपके पास से कोई भी कॉल आता है तो हम उठाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि या तो हम किसी ना किसी मीटिंग्स में होते हैं या कोई ना कोई डेवलपमेंट का काम कर रहे होते हैं। नोडल ऑफिसर का कॉन्टैक्ट नंबर की मिस कॉल अगर आती है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि उसको कॉल बैक भी कर लें, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको कोई कॉल नहीं उठाया जा सकता तो प्लीज़ आप मेल कर दें, मेल का आंसर ज़रूर आपको मिलेगा। तो आप कॉल नहीं उठाया जाता उसके लिए आप वरी ना होए, मेल का आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। मेल आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूँ यहाँ पे। ये मेल आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, मेल अभी आप लिख लीजिएगा, अभी प्रोवाइड कराता हूँ, 1 सेकेंड। इतना ही था ये सारे की सारी प्रेजेंटेशन में, बस इतना ही था। अगर किसी को अभी कोई क्वेश्चन होगा मेल प्रोवाइड कराने के बाद 5 मिनट बाद जब मैं कहूँगा कि किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आप